Hello students, let us understand the following question. In this question, the question says angle BAC is equal to 60 degree in a given figure and angle BCA equal to 20 degree. We need to find the angle ADC. जो एंगल एडीसी हमें बताना है कि कितना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, इसको राइट डाउन कर लेते हैं. दैट इज एंगल बीएसी इक्वल टू ए, ये हमारा कितना है 60 डिग्री, एंड एंगल बीसीए इक्वल है हमारा 20 डिग्री के. ठीक है, सो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका. माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट एंगल हमें दो गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी की अगर हम बात करें. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल अगर हम एबीसी को लेते हैं, इसमें देखिए हमारा जो एंगल एबीसी प्लस एंगल बीसीए प्लस एंगल बीएसी, ये किसको इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. क्योंकि ये हमने ऐसा क्यों लिखा है, एंगल सम प्रॉपर्टी से. ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगा दी है. तो देखिए एंगल एबीसी हम फाइंड आउट करेंगे प्लस एंगल बीसी हमारा कितना है 20 और बीएसी 60 डिग्री है और इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के. देन एंगल एबीसी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 80. फाइनली ये कितना मिल जाएगा, एंगल एबीसी इक्वल टू 100 डिग्री. ठीक है, ये आ जाता है हमारा 100 डिग्री. नाउ अब देखिए हमारा ये देखिए फिगर देखिए, इसमें एबीसीडी ये क्या बनना है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनना है. और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की ये प्रॉपर्टी होती है, जो अपोजिट एंगल का सम होता है वो कितना होता है, इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है. दैट मींस लिख लेते हैं इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी हमारा क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू किसके 180 डिग्री के. नाउ देखिए अपोजिट एंगल यहां पे हमें क्या क्या मिलेंगे, दैट इज एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी डी ए, ये दो हमने एंगल्स लिए हैं अपोजिट एंगल और इक्वल किसके हो जाएंगे 180 डिग्री के. क्लियर है. और एंगल सी बी ए या फिर एबीसी की हम बात करेंगे, हमारे कितना 100 डिग्री है. एंगल सी बी ए या फिर एबीसी एक ही बात है, 100 प्लस एंगल सी डी ए या फिर एडीसी, हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री. एंड एंगल एडीसी हमें कितना मिल जाएगा, 180 माइनस 100. फाइनली एंगल एडीसी हमें मिल जाता है 80 डिग्री. ठीक है, जो कि हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर होगा. तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. तो फाइनली हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.